ये मेरे पास एक ओप्पो का मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन में प्रॉब्लम क्या है, लॉक लग गया है। जैसे आप अगर देखेंगे चालू करके मैं दिखाया, इस फोन के अंदर क्या लगा हुआ है, ये पासवर्ड लगा हुआ है। अब ऐसे पासवर्ड को तोड़ने के लिए क्या होता है, या तो आप इन फोनों को लॉक तोड़ने के लिए आप ऑनलाइन तरीका होता है कि आप ऑनलाइन रिपेयर करें, या अगर आप ऑनलाइन नहीं तोड़ना चाहते ऑफलाइन के तरीके से तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक बॉक्स आता है जिसे हम बोलते हैं UFI। इस UFI के द्वारा हम लॉक को तोड़ सकते हैं। अभी क्या है, जैसे आप देखेंगे UMT के अंदर अपडेट आ गया है कि जितने भी MediaTek के CPU हैं या चार तरह की IC दी हुई हैं जो उसके अंदर दिया हुआ है कि आप उनको लॉक कर सकते हैं, लॉक तोड़ सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं या FATMI को ब्रेक कर सकते हैं, सारे काम आप उसके द्वारा कर सकते हैं। लेकिन अभी वो MTK के अंदर ऑप्शन आया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे Qualcomm के अंदर, तो Qualcomm के अंदर ऐसा अभी कोई ऑप्शन नहीं आया है। तो Qualcomm के लिए क्या करना होता है, हमको UFI या MediaTek के द्वारा ही लॉक को तोड़ना होता है। आप देखिए इसको लॉक तोड़ने के लिए किस तरीके से तोड़ेंगे, ये सारा चीज का जो मैं प्रोसेस है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भाई आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात क्या है कि जितने भी सारे फोन आते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं ISP पिन के द्वारा हम लोग क्या काम करते हैं कि MMC IC जो होती है, इस MMC IC को UFI बॉक्स से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारे फोन में ऐसा क्या होता है कि जितना भी सारा डाटा होता है या यूजर एरिया का डाटा होता है या किसी ने अपने कोई सिक्योरिटी लगा रखी है या कुछ भी ऐसा काम होता है, वो सारा काम आपको जो दिया होता है वो MMC के अंदर प्रोग्राम होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें सेव होती हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, उसे फॉर्मेट कर देते हैं। तो फॉर्मेट करने से सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, तो उसके यूजर का डाटा भी डिलीट हो जाता है, उसका पासवर्ड भी चला जाता है, सारी चीज़ें चली जाती है, तो हमारा फ़ोन क्या हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे, मैं आपको थोड़ी सा ISP की डिटेल बता देता हूँ। ISP पिन में क्या होता है कि आप गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे, जैसे मेरे पास रियलमी का C1 मोबाइल फ़ोन है, मैंने गूगल पर सर्च किया रियलमी C1 ISP पिन, जैसे लिंक करके सर्च करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल खुल करके आ जाएगी डिस्प्ले में। तो जिस तरीके से डिटेल दी होगी वो ये ISP अडेप्टर आता है जिसमें आपका जम्पर लगा होता है, आपको इसके सारी जम्पर को क्या कर देना होता है, उससे कनेक्ट कर देना होता है। सबसे पहले बात करेंगे जो पहला जब की चीज होती है जिसे हम बोलते हैं डाटा। सबसे पहली चीज क्या होती है, डाटा। उसके बाद दूसरी चीज होती है CLK। तीसरी चीज होती है CMD। उसके बाद चौथी चीज होती है ग्राउंड। उसके बाद आपकी पांचवी चीज होती है BCC। फिर उसके बाद आपका आता है BCCQ। ये हमारे क्या होते हैं, वोल्टेज होते हैं। ये क्या होती है, वोल्टेज पिन होती है। ये वोल्टेज क्या होती है, जब MMC IC की मिलती है तब आपकी MMC IC क्या होती है, काम करती है। फिर उसके अंदर से तीन सिग्नल होते हैं, डाटा, क्लॉक, CMD। तब आपकी MMC IC जो भी सारा डाटा होता है उस डाटा को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ISP पिन को कनेक्ट करेंगे। जब ISP पिन हमारी कनेक्ट हो जाएंगी तो ISP पिन कनेक्ट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको फॉर्मेट करेंगे, लॉक हमारा अनलॉक हो जाएगा। देखिए अब इस सारे प्रोसेस को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहली बात क्या, मैंने फोन में देखा कि हमारा लॉक लगा हुआ है। ये लॉक खोलने के लिए हमने क्या करना है, फोन को सबसे पहले स्विच ऑफ करें। स्विच ऑफ करने के बाद आपने फोन को खोल लिया है, बोर्ड को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, बोर्ड को बाहर निकालना है। फोन बंद करने के बाद बोर्ड को बाहर से निकाल लीजिए, फोन को स्विच ऑफ करिए। स्विच ऑफ करने के बाद इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट करिए। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद आप ये जो बोर्ड होता है, इस बोर्ड को आप क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ये आपने बोर्ड को बाहर से निकाल लिया। आप सबसे पहले बात, जैसे ही हमारे पास मोबाइल फोन है रियलमी C1 का है, कौन सा फोन है, रियलमी C1 है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, गूगल पे हम लोगों ने मोबाइल फोन या लैपटॉप किसी चीज में आप सर्च करिए, यहां पर आपको लिखना है रियलमी C1 ISP।
ये देखिए, ये रियलमी सीवन आई एस पी से हम खुल के आ गए, ये देखिए ये देखिए, इसके अंदर सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे आपका ये दिया हुआ VCC डाटा CMD CLK VCC क्यू, ये सारे पॉइंट से कनेक्ट होंगे और ये आपका क्लॉक का दिया हुआ है। अगर इसी चीज़ को जरा करके अगर हम बोर्ड में देखेंगे तो ये बोर्ड में देखिए, ये बोर्ड में मैंने यहाँ पे कार्ड रखा हुआ है और ये आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पहले कस्टमर का इन लॉक खुलवा चुके हैं, दोबारा फिर लॉक लग गया है, खुलवाने के लिए आए हुए हैं, तो हमने क्या कर रखा है, देखा यहाँ पर कटा हुआ पहले से हमको मिला, मतलब पहले से भी इसका लॉक खुल चुका है। हम क्या करेंगे, सारे पिनों को क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट करेंगे। कौन से कनेक्ट करेंगे, ये आपकी डाटा CMD CLK VCC क्यू, ये सारे पिनों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जब सारे पिनों को कनेक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद हम इसको U5 POS में जाकर के ओपन करके इसे फॉर्मेट करेंगे। किस तरह कनेक्ट करेंगे ये मैं आपको ज़रा कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसा कि हम लोग क्या करेंगे, अब ISP पिन को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो ISP पिन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमने एक एक करके सारे पॉइंट कनेक्ट करने हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट हमें क्या कनेक्ट करना है अपना, कि क्लॉक कनेक्ट करना है, डाटा कनेक्ट करना है, CMD कनेक्ट करना है, CLK VCC के सारे पॉइंट को क्या करना है, कनेक्ट करना है एक एक करके, वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट जैसे ही हमारा आ गया डाटा का, हमने क्या किया डाटा को ले लिया और डाटा को इससे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अगर आप इसको इस तरीके से रख लेंगे, रखने के बाद आप क्या करेंगे, डाटा को इससे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो इधर से 1 2 3 4 नंबर पिन डाटा है, तो आप क्या करेंगे, चौथे नंबर पर डाटा वाली पिन को आप ऐसे लगा देंगे। ये काम करने के लिए आपको जंपर वगैरह हैं, इन सब चीज़ों पे हाथ बहुत साफ होना चाहिए, और या तो आपके पास माइक्रोस्कोप होता है तो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या आपको एक्सपीरियंस होता है या आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉपरली दिखाई देता है तो। अब सोल्डर दीजिए, हमने डाटा पॉइंट को कनेक्ट कर लिया। डाटा पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, दूसरा पॉइंट आपका आता है CMD, फिर हमको क्या करना है, CMD वाले पॉइंट को कनेक्ट करना है। आपने देखा ये हमारा ये वाला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट CMD है। CMD पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ये आपका येलो कलर का पॉइंट दिखा रहा है, CMD वाला उसके जस्ट बगल वाला है, आप क्या करेंगे उसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा CMD कनेक्ट हो गया। CMD कनेक्ट होने के बाद फिर हमको कनेक्ट करनी क्लॉक, ये देखिए ये आपकी अगली पिन कौन सी हो जाती है, क्लॉक नाउ।
क्लॉक अगर देखेंगे ये कहाँ से कनेक्ट है, ये एक दो रेजिस्टेंस लगे उसके ऊपर वाले से कनेक्ट है। अगर आप देखेंगे ये वाला रेजिस्टेंस आता है, आपने क्या कर लिया, इसे कनेक्ट कर लिया। इसे कनेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, वीसीसी लेना है। वीसीसी लेने के बाद आपको क्या करना है, वीसीसी पिन को कनेक्ट करना है। वीसीसी देखेंगे तो ये सीएमडी के जस्ट ऊपर लगा हुआ है, आपका सीएमडी देखेंगे, ये सीएमडी है, सीएमडी के जस्ट ऊपर आपका वीसीसी का पिन दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसे लेंगे, अब वीसीसी को कहाँ लगा देंगे, इसको ऊपर वाले पे लगा देंगे। हमने क्या किया, ऊपर वाली पिन पर वीसीसी लगा दिया। वीसीसी लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसे लेना है, ये आपका पत्ता होता है चार्जिंग का पत्ता, चार्जिंग के पत्ते को क्या करना है, बोर्ड से कनेक्ट कर लेना है। इससे क्या हो जाएगा, आपको वीसीसी क्यों को तो सप्लाई दे दी, लेकिन वीसीसी की जो सप्लाई होगी वो हमको चार्जिंग के द्वारा मिल जाएगी। ये आप देखिए, कोई भी जंपर छूटना नहीं चाहिए, प्रॉपर तरीके से लगा होना चाहिए, नहीं तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी। अब हमें क्या करना है कि इसे कनेक्ट करना है। इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले डाटा केबल दीजिए, डाटा केबल से हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई देंगे। डाटा केबल देने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लगा देंगे। आप ये हमने डाटा केबल लिया, डाटा केबल से हमने क्या करना है, इसको सप्लाई दे दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसमें यूएफआई को ओपन करेंगे, यूएफआई इमरजेंसी टूल को क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है कि इसे डायरेक्ट एमएमसी को सिलेक्ट करना है, इसे आईएसपी पिन को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आइडेंटिफाई करना है। नहीं ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर दीजिए। फिर से आप प्रॉपर सेट करिए, हो सकता है आपने कोई जंपर ना लगाया हो। अगर आप देखेंगे इधर दिखाइए कि हमने सारे पॉइंट कनेक्ट कर रखे हैं, अच्छा एक ग्राउंड वाला पॉइंट रह गया है, मतलब हमने नेगेटिव वाले पॉइंट को नहीं लगाया। चलिए, मतलब यहाँ से हमको क्या देना है, ग्राउंड देना है। आप ग्राउंड देने के लिए सबसे पहले क्या करें, जंपर वायर को आप स्क्रैच कर लें,
आपने ग्राउंड ले लिया, ग्राउंड लेने के बाद इस ग्राउंड को क्या करना है, आपको इसमें टच करना है, आप देखिए मैंने ग्राउंड दे दिया, ग्राउंड देने को फिर से हमने से दिए, कनेक्ट करने के बाद फिर से हमने लगाया, ये हमारा ओपन हुआ, फिर से हमने आइडेंटिफाई किया, ये देखिए ये सारी डिटेल्स आ गई आपकी। अब आपको क्या करना है, आपको यूजर एरिया पार्ट में जाना है, यूजर एरिया पार्ट में फिर आपको जाना है स्पेशल टास्क के अंदर, आप स्पेशल टास्क में जाएंगे, यहाँ पर आपको आसान ऑप्शन आता है ओपो मास्टर क्लियर, फिर उसके बाद वाइप डाटा कर लीजिए, वाइप डाटा ऐप्स कर लीजिए, किसी भी कर दीजिए, आपने वाइप डाटा ऐप्स लिया, यहाँ पर देखिए ये देखिए मास्टर क्लियर डन, मास्टर क्लियर डन हो गए। अब आपको क्या करना है, आप इसके अंदर एफ आर पी लग गई होगी, आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर लिखा है क्लियर एफ आर पी, इस पर क्लिक करिए, क्लियर एफ आर पी मतलब एफ आर पी भी टूट गई, हमने क्या कर लिया कि लॉक भी तोड़ दिया, एफ आर पी भी तोड़ दी। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से सारी चीज़ को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सारे जंपर को हटाएंगे, देखिए सर इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता है जी, फॉर्मेट और अब हमने क्या करना है, इसे एक एक करके हटाना है, मतलब जो भी आपने जंपर लगाए हैं उनको बोर्ड से क्या कर देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है इसे, देखिए अब हमें क्या करना है, चेक करना है, देखिए हम चेक करेंगे, हमने बैटरी लिया, बैटरी लेने के बाद फिर से हमको फोन से लगाना है और इसे क्या करना है, चालू करना है, ये देखिए ये आपका मोबाइल फोन चालू हो गया है, आप देखते हैं इसमें लॉक टूटा कि नहीं टूटा, क्या हुआ, ये देखिए बायो डाटा फॉर्मेट, अभी क्या हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है, रिबूट होगा, सेट दोबारा रिस्टार्ट होगा, मतलब आपका फॉर्मेट हो गया, यहाँ पर फॉर्मेट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, ये देखिए चालू हो गया, आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर लेना, स्किप किया कंटिन्यू किया,
ये देखिए आपका मोबाइल फोन अनलॉक हो चुका है। तो इस तरीके से जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं जो रियलमी के फ़ोन आ रहे हैं जिसके अंदर क्वालिकॉम फीचर है, एमटीके का तो चलिए एमटीके के अंदर हो जा रहा है, लेकिन जो क्वालिकॉम है उसके लिए क्या है, उसका तो अभी भी अपना जो 5G जेटेक के अंदर दिया हुआ है कि आप उससे कनेक्ट करके ISP पिन आउट के द्वारा आप इसे फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। अगर ISP पिन आउट नहीं होता तो फिर आपको क्या करना होता है, MMC IC को निकालना होता है। MMC IC निकालने के बाद फिर इस तरीके से क्या होते हैं, इस वाई के अपने एडाप्टर आते हैं, इसके अंदर आपको MMC IC क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर IC को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर IC जब आप सेट कर लेंगे तो सेट करने के बाद फिर आपका ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आप इसे अच्छे से लगा करके इसमें एडाप्टर से फ़ोन को लॉक को खोल सकते हैं। अब इसके आगे और भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, जैसा कि आज हम लोगों ने सीखा है इस वीडियो में ISP पिन आउट के द्वारा किस तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर लॉक को तोड़ सकते हैं, लॉक खोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख करके सारे स्टेप्स के बारे में हमें क्या करना होता है, सीखना होता है। और मोबाइल फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम चाहे हार्डवेयर से हो चाहे सॉफ्टवेयर से हो, सारी कंप्लीट सेटअप जो है, सारा कंप्लीट तरीका हमें क्या करना है, सीखना है। तो आज जैसा कि आज की क्लास में आज सब लोगों ने सीखा कि किस तरीके से UFI के द्वारा हम सारे मोबाइल फ़ोन को, मतलब रियलमी या ओप्पो के मोबाइल फ़ोन को कहाँ को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक तोड़ सकते हैं। और कुछ ऐसे फ़ोन आते हैं जिसके अंदर MI अकाउंट होते हैं, वो भी सारे रिमूव हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा सारी चीज़ों के बारे में। वहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे जाके फीचर एंड प्रोग्राम पे जाओ, क्रोम में जाओ, तब ABCD जैसा कि आज सब लोगों ने देखा कि मैंने ISP पिन आउट के बारे में बताया कि किस तरीके से जैसे हमारे पास एक मोबाइल फोन आया था, उस मोबाइल फोन को हमने क्या किया, अनलॉक किया। तो इस तरीके से आपको एक करके जो भी मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम आती है, फोन के अंदर समस्या या हार्डवेयर की हो या समस्या सॉफ्टवेयर की हो, प्रॉब्लम हार्डवेयर की है या सॉफ्टवेयर की है, तो आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाता है। जो भी सारे बच्चे बाहर से आते हैं, टोटल 45 से 60 दिन तक का पूरा कोर्स रहता है, 2 महीने तक का समथिंग समय लगता है, टाइम ड्यूरेशन लगता है। और अपने जो क्लासेस करते हैं वो 5 से 6 घंटे क्लासेस करते हैं या 7 घंटे तक क्लासेस करते हैं और इस चीज़ को सीखते हैं। हॉस्टल वगैरह की रहने की सारी सुविधा दी हुई है, पूरा प्रैक्टिकल तरीके से ही एक एक करके सारी चीज़ें, सारे एक एक करके स्टेप के बारे में आपको समझाया जाता है। और एक एक करके जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उसमें चाहे कमी किसी भी चीज़ के लेकर के हो, चाहे आप OC रिपेयरिंग से लेकर के हो या MMC रिपेयरिंग से लेकर के हो, या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो या हार्डवेयर प्रॉब्लम हो या सिमेटिक से संबंधित कोई भी समस्या हो या किसी भी फॉल्ट को डायग्नोज करना हो, तो इस तरीके से आपको लेकर करके पूरा क्लास में आपको बताया जाता है। कोर्स को अच्छे तरीके से सिखाने के लिए कोर्स को 4 मॉड्यूल में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले चलता है आपका प्रैक्टिकल सेक्शन, प्रैक्टिकल के अंदर फोन खोलना, पैक करना, असेंबलिंग डिसेंबलिंग, जम्पर लगाना या मोबाइल फोन का IC को चेंज करना, IC को रिवॉल्व करना, OCA करना, कॉम्बो बनाना या बेसिक। अगला पैटर्न चलता है बेसिक के अंदर जो भी मोबाइल फोन के अंदर प्लेट आती है उसके बारे में पूरी जानकारी, कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी। फिर उसके बाद चलता है ट्रेसिंग में मोबाइल फोन में आने वाली समस्याओं को ढूंढना या मोबाइल फोन में एक एक करके सेक्शन की पहचान करना, फोन के अंदर जो भी सर्किट से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, जैसे चार्जिंग नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं काम कर रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, सिम नहीं काम कर रहा, सेट डेड हो गया, एक एक करके सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं और समझाई जाती हैं। फिर बात उसका आपका अगला टॉपिक चलता है सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, जो भी फोन आते हैं उस फोन के अंदर दो ही तरह की समस्या आती है, तो उसको फोन को
अनलॉक करना होता है या तो फोन को फ्लैश करना होता है, मतलब ये तो उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है या तो फोन में पासवर्ड लग जाता है। तो जो भी समस्याएं आती हैं उसको कैसे किया जाएगा और नॉर्मल तरीके भी इसी आपको सिखाया जाता है। जितने भी सारे टूल्स या डोंगल या लोफाई आते हैं उन सबसे आपको लॉक को खोलना या फोन को फॉर्मेट करना, फ्लैश करना, ये सारी चीज़ें आपको क्लास के दौरान आपको सिखाया जाता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको पूरी सिखाई जाती हैं। पूरा कोर्स प्रैक्टिकली वे में ही कराया जाता है ताकि आप प्रैक्टिकली सीखेंगे तभी सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे, ताकि आप उनको खुद करें। और ये काम सीखने के बाद जब तक आप अपने अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होंगे या सेल्फ खुद की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ लीजिए कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा तो प्रैक्टिस का सिर्फ एकमात्र जरिया होता है, माध्यम होता है, बाकी जो असल जिंदगी में प्रैक्टिकल करने वाले होते हैं वो आप लोग खुद ही होते हो। जैसे मैं कहता हूँ आपको मैंने चार्जिंग पे लगाना सिखा दिया, मैंने एक बार सिखा दिया, दो बार सिखा दिया, पांच बार सिखा दिया, अब आपके पास कोई कस्टमर्स आएंगे या फोन आएंगे ठीक होने के लिए, आपको तो जिंदगी भर चार्जिंग पे डालनी है। तो ये थोड़ी ना कहोगे नहीं मैंने एक बार डाल दिया तो दोबारा नहीं डालूंगा। अरे हमारे पास जितनी बार आएगा उतनी बार डालेंगे, लेकिन सीखने के टाइम पर बस एक बात का ध्यान देना होता है कि हमसे वो काम एक बार अच्छे से हो जाना चाहिए। जब एक बार अच्छे से हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर हमेशा लाइफ टाइम जिंदगी भर उस काम को प्रॉपर तरीके से करते रहते हैं। जैसे कि ये हमारे विकास जी हैं, उमेश, हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से मैं हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यानी कि सर से कांटेक्ट हुआ है कि मैं कानपुर में, मेरे को उत्साह हुआ कि मैं रिपेयरिंग सीखूंगा जाके, तो कानपुर में मैं आया हूँ, तो यहाँ पे राघवेंद्र सर के क्लास में, तो मैं अभी मेरे को 2 महीने हुआ है, तो मैं जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ट्रेसिंग से यानी कि सब पूरा यानी कि क्लास मेरा फाइनल हो चुका है जो है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमन वर्मा, और मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने का थोड़ा सा उत्साह आया, तो फिर मैं यहाँ पे आया कानपुर, यहाँ पे एक्सप्रेस रोड पे यहाँ पे ईटेक इंस्टीट्यूट से कॉन्टेक्ट हुआ मेरा राजेंद्र सर से, तो मैं यहाँ पे सीखा सर जो, हालांकि हमारे जो सर हैं वो काफ़ी सिंप्लिसिटी से, काफ़ी क्लियर एंड से, काफ़ी लॉजिकल समझाते हैं, तो बिल्कुल एक परफेक्ट वे में एक समझ में आता है। हालांकि YouTube पे बहुत सी वीडियो मिल जाती हैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग की, बट जो यहाँ पे सर जिस तरह से सिखाते हैं, जिस वे में माइंडसेट वो देते हैं, जिस तरह से सिखाते हैं, वो बिल्कुल ही अनस्टॉपेबल है। तो मैं यहाँ पे भी मुझे अराउंड एक महीने हो गए हैं, और काफ़ी कुछ हार्डवेयर में मैं सीख चुका हूँ, जैसे मोबाइल में कंपोनेंट्स में जंपर लगाना या चार्जिंग कनेक्टर बदलना, आईसी रिवॉल्व करना और आईसी लगाना वगैरह वगैरह, आधे से ज़्यादा हार्डवेयर का काम मेरा टोटली कंप्लीट हो गया। अब मेरा मंडे से मेरी सॉफ्टवेयर की क्लासेस चलेंगी, तो मैं एक महीने में अराउंड मतलब इतना कुछ सही लॉजिकल से अच्छे से सीखना, एक 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 पार्ट के बारे में, मोबाइल के पार्टों के बारे में समझना बहुत बड़ी बात होती है, और हर कोई हालांकि वो नॉलेज सही से नहीं दे पाता जो हमारे राघवेंद्र सर ने दिया है हमको। तो मैं ईटेक को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतनी नॉलेज है। कानपुर में एक्सप्रेस वो सागर मार्केट कानपुर में राघवेंद्र सर के पास सीखने आए हैं, और हमारा आया हुआ 10 दिन हो गया, और अब सॉफ्टवेयर के काम भी चालू हो गया है, इससे पूरी जानकारी मिल गई है, और चार्जिंग पिन और जम्फर वगैरह सब लगाने आ गया है, और 45 दिन का एक कोर्स है, अभी तो सीख रहे हैं, अभी तक जितना भी सीखे हैं वो कॉम्बो लगाना, टच डालना निकालना सब सीखे हैं, बहुत अच्छा सर सिखा रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम अक्षय राठौर है, मैं चटिया से हूँ, मैं और शॉप पे मतलब रहता था किसी सीखने के लिए, उसने मुझे नहीं सिखाया, मैं यहाँ पे सागर मार्केट में ईटेक इंस्टीट्यूट में टैक किया, तो यहाँ पे सीख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 1 महीना हो गया है, और मैंने आईसी का पूरा काम सीख लिया है, और हार्डवेयर काम मेरा पूरा हो गया है, मतलब सॉफ्टवेयर मेरी क्लास लागू है, वो भी मेरी मतलब 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। पहली बार से नाम सुना है सर का, मुझे पहले सबसे पहले जानता था, पहले से ही सर का नाम,
तो मुझे बहुत पहले ही से ही पता था कि सर बहुत अच्छे सिखाते हैं, बट कभी आमना सामने नहीं होते कि बहुत ज़्यादा अच्छा सिखाते हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे समझ में आया कि सर बहुत अच्छे सिखाते हैं। पहले तो मेरा थोड़ा बहुत हार्डवेयर ठीक है, बट मुझे जानकारी जितनी मिली वैसी के बारे में, तो जब यहाँ पर आया तो सर ने मुझे पूरा पूरा मेरे को अजीब 3 मंथ हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, तो मेरा पूरा बेसिक तैयार हो चुका है, मजबूत हो चुका है जो सर के रिलेटेड है। और सर ने मेरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बाकी सब चीज़ें जो है वो सब स्ट्रॉन्ग कर दी हैं कि मैं अब कहीं भी जा सकता हूँ और अपना खुद का दुकान खोल सकता हूँ और मुझे कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात सर ये है कि आप कहीं भी कभी भी लाइफ टाइम कभी भी आप कभी दिक्कत में आते हैं तो आप टेक में आ सकते हैं और सर से पूछेंगे तो सर बताते हैं और उसका सलूशन बताते हैं और उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं। ये भी नहीं कि सर दोबारा आ रहे तो फिर चार्ज ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। सर कोई भी आता है सर के अपने बच्चे समझ के सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो सर थैंक यू सर। सर जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये सारे स्टूडेंट ने अपना दिल दिया, ये सारे बैच के स्टूडेंट्स हैं। कि अभी आप सभी लोग जो देख रहे हैं ये ऊपर का फ्लोर है और नीचे का फ्लोर पर भी क्लासेस चलती हैं। अपने पास जो भी सारा रिपेयरिंग से लेकर के पूरा ट्रेनिंग है, सारे टूल्स हैं, सारे एसेसरीज हैं, या कोई भी ऐसा जो मोबाइल फ़ोन के अंदर लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज होता है, जैसे OCM मशीन हो गई या MMC का पूरा सेटअप हो गया या सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हो गए या सारे हार्डवेयर टूल्स हो गए या IC का या किसी भी चीज़ का लेकर के माइक्रोस्कोप हो गया, तो A से लेकर Z तक सारा सामान क्लास के अंदर आपको अवेलेबल होता है और एक एक करके सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं और अपने उनको ट्रेनिंग फॉर्म में पीरियड में कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो सारी पूरा A से लेकर Z तक ट्रेनिंग से लेकर के सारी मशीनों से लेकर के सारी सुविधा दी हुई है, तो आप सीखने के बाद आप किसी बिजनेस को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और ये एक ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स होता है कि 2 से 3 महीने का कोर्स होता है, 2 से 3 महीने कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या कहीं पर भी अपना 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये या इससे भी कई गुना ज़्यादा अधिक आप अपना खुद अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर।